जी हाँ, मैं उस माँ से बात करना चाहता हूँ, मैं उस माँ को जानना चाहता हूँ, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई माँ इतनी पत्थर दिल भी हो सकती है। हो सकता है उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर एक बार वो अपनी लाडली की अनकही फरियाद सुन लेगी तो फिर वो जरूर लौट आएगी। देखो हम जिंदा हैं, तुम यही तो चाहती थी ना, तभी तो तुमने हमें जन्म दिया। माँ, हमारी मुस्कुराहट देखकर तुम समझ चुकी होगी कि हमने जिंदगी के इस सफर में हौले हौले ही सही लेकिन चलना शुरू कर दिया है। माँ, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी तकलीफें उठाकर 9 महीने तक अपना खून पिलाकर तुमने हमें इस दुनिया में आने के लायक बनाया। जब हम बड़े हो जाएंगे ना माँ और तुम्हारी इस उम्र में पहुंचेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा इस जमाने से अपना पेट छुपाना कितना मुश्किल काम होता है। तब हम घंटों सोचा करेंगे कि माँ तुमने ये सब कैसे किया होगा। माँ तुम ये न समझना कि हम कभी तुमसे नफरत करेंगे। माँ हम जानते हैं कि तुम हमें अपनी जान से ज्यादा चाहती हो, वरना एक बोझ को जन्म कौन देता है। हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है माँ, जरूर तुम्हारे सामने ऐसी ही कोई मुश्किल रही होगी कि तुमने हमें अपनी गर्म गोद से दूर कर दिया। जब हम बड़े होंगे ना माँ तो जान जाएंगे कि ये मजबूरियां क्या होती हैं। लेकिन माँ, तुमसे बस सिर्फ एक बात पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। माँ बस इतना बता दो कि तुम कैसी लगती हो।